अगर आप भी चाहते हैं अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना, खूबसूरत बनाना, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगी जिसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। क्या है वो सीक्रेट, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ना तो आपको कोई फेस पैक लगाने की ज़रूरत है और ना ही पार्लर जाने की ज़रूरत है, इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं। क्या है वो सीक्रेट्स, ये आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हर कोई चाहता है अपने आप को खूबसूरत बनाना, इसके लिए वो क्या नहीं करते, वो पार्लर जाते हैं, फेशियल कराते हैं, क्लीन अप कराते हैं और नए नए वीडियोस देके फेस पैक भी ट्राई करते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी उनके चेहरे पर चमक नहीं है या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई हैं और ये सब प्रॉब्लम लगातार बनी हुई हैं, कुछ टाइम के लिए ठीक होती हैं फिर दोबारा हो जाती हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपकी बॉडी में इस चीज़ की ऐसी कमी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। आप नए नए ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसके लिए आपको ज़रूरत है अंदर से आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट पहुंचाने की जिसकी आपके शरीर में कमी है। ऊपर से करने से कुछ नहीं होता है जब तक अंदर से आप इन चीज़ों को हील नहीं करेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है और जिस दिन आप खाना नहीं खाते हैं तो कुछ वीकनेस फील होती है। इसी तरह से आपकी जो सेल्स हैं, आपकी टिश्यू हैं, जब उनमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है, आपकी स्किन टिश्यू में पूरी तरह से न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता है, किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, जैसे एजिंग है, फाइन लाइंस पड़ गई हैं, पिगमेंटेशन हो गया है और एक्ने हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं। तो हम लोग सोचते रह जाते हैं कि इतनी केयर करते हैं उसके बाद भी ये सब हो रहा है, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे की वजह मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे विटामिन्स जिसको लेने से आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही उसके लिए मैं आपको घरेलू चीज़ें भी बताऊंगी कि किन किन चीज़ों से वो आपको चीज़ें मिल सकती हैं, और साथ ही फेस पर लगाने की क्रीम भी जिसको लगाने से वो चीज़ें हमेशा के लिए परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ने और पिम्पल्स की। इस हमारे लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अब विटामिन ए किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, विटामिन ए ज़रूरी है आपकी एजिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए। अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आ गई हैं, रिंकल्स पड़ने लगी हैं या आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। अब विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी जिसमें विटामिन ए हो। शकरकंद, गाजर, ब्रोकली, अंडे का पीला भाग, सी फूड्स, दूध, टमाटर, कॉड लीवर ऑयल, पालक, इस तरह की चीज़ों को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। ये आपके पिंपल्स की रोकथाम करेंगे, उनको नहीं आने देंगे, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेंगे। और अगर फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी स्किन में डैमेज हो रहे हैं या स्किन ख़राब हो रही है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। एक स्टडी में पाया गया है कि विटामिन ए और रेटिनॉल की कमी से जो है हमारी स्किन पर पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इस रेटिनॉल युक्त क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन से ये जो मुहासे और एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर जो एजिंग के इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे जल्दी से। लेकिन जब भी आप विटामिन ए युक्त क्रीम या फिर जो है रेटिनॉल का यूज़ करते हैं तो इसको आप रात में ही करें, क्योंकि अगर आप इसको दिन में यूज़ करेंगे तो ये पूरी तरह से अपना इफ़ेक्ट नहीं देती है, क्योंकि विटामिन ए की सूरज की रोशनी में क्षमता घट जाती है। तो इसलिए जब भी आप ये क्रीम लगाएं तो रात में सोते ही समय ही लगाएं, या आपको कहीं भी मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। और अगर इस क्रीम को आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस ज़रूर लें। चाहे विटामिन B3, अगर आपको सन डैमेज होता है या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपने बहुत फेस पैक और फेस मास्क और इसके लिए दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं लेकिन उसके बाद भी जो है पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा है, विटामिन B3 आपकी स्किन को सूर्य के किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। विटामिन B3 को नियासिनामाइड भी कहते हैं। आपने देखा होगा कभी आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कभी एलर्जी है या फिर कभी कुछ हो जाता है, पिगमेंटेशन ही है, तो वो आपको ऐसी क्रीम प्रीफर करते हैं ऐसे जिसमें नियासिनामाइड होता है, तो ये जो है इसीलिए काम आता है। अब इस कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम घर में ही अपने नेचुरल फूड से इन चीज़ों को पा सकते हैं, तो में से हैं मशरूम, ट्यूना फिश, टर्की, सनफ्लावर सीड, एवोकाडो, मूंगफली, लीवर, चिकन ब्रेस्ट, राजमा। इन चीज़ों को अगर आप अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी नहीं होगी। अब ये कैसे मदद करता है, रिसर्च के अनुसार विटामिन B3 या फिर
नियासिनामाइड सन डैमेज से बचाता है, ये स्किन के एजिंग की प्रोसेस को धीमा करता है और साथ ही पिगमेंटेशन से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से आपकी स्किन पर, आपके फेस पर फाइन लाइंस पड़ गई हैं, महीन रेखाएं पड़ गई हैं, या फिर डार्क स्पॉट्स पड़ गए हैं, या आपके स्किन का टेक्सचर जो है चेंज हो गया है, तो उसमें भी ये सुधार लाता है। स्किन पर लगाने के लिए आपको मेडिकल स्टोर पर नियासिनामाइड पाउडर बड़े आराम से मिल जाएगा। इसको लगाने के लिए आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए, या तो आप मॉइस्चराइजर में थोड़ा सा इसको मिक्स करके, एक पिंच मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करें, या फिर आप एलोवेरा जेल के साथ इसको मिक्स करके अपनी स्किन पर लगाएं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी आपके एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बढ़ाता है। ये मेन रूप से एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर पर पाया जाता है। विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिससे आपके स्किन पर रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी से नहीं आती हैं। ये आपकी स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले नुकसान से बचाता है और बढ़ती उम्र की निशानी जैसे झुर्रियों को हमारी स्किन से दूर रखता है। इसका सबसे अच्छा सोर्स है जैसे लाल मिर्च, अमरूद, विटामिन सी जैसे सिट्रस फूड जैसे आंवला और नींबू, मटर, गोभी, इस तरह की चीज़ों में ये पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप विटामिन सी युक्त चीज़ें अपने स्किन पर लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है मार्केट में और सीरम आते हैं और टोनर भी आते हैं, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। और विटामिन सी का मैंने एक सीरम भी इसमें शेयर किया था, तो आप उस वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। विटामिन सी युक्त चीज़ें स्किन पर लगाने से आपकी स्किन जो है फोटो सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी स्किन पर सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसको रोकने के लिए विटामिन ई काम आता है। विटामिन ई में फ्री रेडिकल्स को रोकने के गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से ये स्किन को नुकसान पहुँचाने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को हटाकर स्किन को हेल्दी बनाता है। एक स्टडी के अनुसार अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले सन डैमेज से बचाता है, आपके रूखेपन को कम करता है, अगर स्किन में एक्सेसिव ड्राइनेस है तो उसको ये हटाता है, आपके स्किन में ये मॉइस्चर को बनाए रखता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकता है, स्किन में होने वाली जलन को कम करता है। स्किन पर विटामिन ई युक्त चीज़ें लगाने से बहुत सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन विटामिन ई की भी, अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो इसकी जो क्षमता है वो घट जाती है, इसलिए ये जो चीज़ें हैं वो रात में ही अप्लाई करनी चाहिए, तो ये पूरी तरह से जो है वर्क करती हैं। विटामिन ई के सोर्स हैं बादाम, पालक, सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, पपाया, धनिया, जैतून, ब्रोकली, चिलगोज़ा, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। स्किन पर लगाने के लिए विटामिन ई युक्त कैप्सूल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे बड़े आराम से और बहुत सस्ते भी होते हैं। एवियन 400 के नाम से आते हैं, जिनको आप अपने स्किन पर लगा सकते हैं, क्रीम में मिला के लगा सकते हैं, पैक में मिला के लगा सकते हैं, और मेरी वीडियोस में आप अक्सर देखते हैं मैं विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करती हूँ, और इसको हम बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन के। डार्क स्पॉट्स और निशानों को हटाने के लिए विटामिन के का बहुत बड़ा योगदान, इसके साथ ये पिगमेंटेशन और चोट के निशानों को भी ख़त्म करता है। विटामिन के सोर्स हैं गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, शलजम के पत्ते, धनिया, दलिया, इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन के युक्त क्रीम आपको बड़े आराम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर उनको ही ये क्रीम सजेस्ट करते हैं जिनको सर्जरी हुई हो या कोई चोट लगी हो। ये टाँखे के निशान को हल्का करने में मदद करते हैं। ये जो क्रीम होती हैं ये अधिकतर डार्क सर्कल या वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स और स्किन संबंधी समस्याओं के लिए भी दी जाती हैं। चेहरे पर ग्लो के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्किन को हमारे पूरा पोषण मिले, पूरी डाइट, एक तरह से हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिससे जो है पूरा का पूरा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिले, हमारे स्किन को मिले, जिससे हमारी स्किन हेल्दी रहे और इन सभी प्रॉब्लम से हम बचे रहें। इसलिए आप अपनी डाइट में और अपनी डाइट और स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, जिससे जो है इस तरह की आप प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी, आपको बाहर वाले मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर। आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही मिलूंगी ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।